बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्किल्स विद टीएस। फ्रेंड्स, एडोब फोटोशॉप 7.0 के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम एडोब फोटोशॉप 7.0 के एडिट मेन्यू है उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये सारे ऑप्शंस जो मेन ऑप्शन है इनको हम आज तफसीलन इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कुछ राइट डाउन कर लेते हैं। आप जब भी कोई टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसी के लिहाज से ही आपको ऊपर प्रॉपर्टी सारी आ जाएंगी और उसी के लिहाज से एडिट मेन्यू में ऑप्शन आएंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप एडिट में जाएंगे तो अंडो का ऑप्शन हो जाए, अंडो का ऑप्शन होगा। अंडो सेलेक्ट सिलेक्शन जो थी मैंने सिलेक्शन की हुई थी इसीलिए अंडो सिलेक्शन आया था। और कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की कमांड है। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो अगेन एज इट इज़ आ जाएगा। और रीडो के लिए भी एज इट इज़ है कि वापस वैसे हो जाए जैसे था। तो कंट्रोल जी अगेन प्रेस करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैकवर्ड। स्टेप फॉरवर्ड इनके लिए हम पहले यहाँ कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल। आफ्टर दैट इसके सिलेक्शन करके मैं इसे स्टेप आगे कर देती हूँ। और इसके अब ऑप्शन आगे स्टेप बैकवर्ड के अब पीछे जहाँ से उठाया था वैसे ही पीछे। अब जहाँ से उठाया उसको फॉरवर्ड करने के लिए तो हम फॉरवर्ड का ऑप्शन करेंगे स्टेप फॉरवर्ड का। नेक्स्ट है फेड। फेड के लिए हम सिलेक्शन टूल टूल यूज़ कर रहे हैं। इस टूल को यूज़ करके हम फेडनेस इसकी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इसे ओपेसिटी भी कहते हैं। ओपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। फिल कलर, अगर आपको ऐसे आ जाता है कि कोई लेयर शो नहीं होती तो आपने जस्ट क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करना है एक साथ और एन पर क्लिक करना है तो ये आपकी न्यू लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। आप कलर फिल कर सकेंगे। यहाँ से फिर फेड बकेट ऑप्शन जो है पेंट बकेट का ऑप्शन क्लियरली नज़र आ जाएगा उसके बाद। एंड देन आपको क्या करना है कि वहाँ जस्ट क्लिक करना है और आपके पास एक फेडनेस का बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हम फेडनेस उसकी ओपेसिटी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। और इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं, मोड किसी भी फॉर्म का जो है वो रख सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसकी ओपेसिटी जो है वो फेडनेस इंक्रीज और डिक्रीज कर रही हूँ। यहाँ से हम इतने सारे मोड दिए गए हैं, कोई सा भी हम लगा सकते हैं। डिसॉल्व लगाया मैं, इसकी भी हार्ड जो मोड है उसकी भी आप जो ओपेसिटी है फेडनेस है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है कट कॉपी एंड पेस्ट। कट जो करते हैं हमेशा कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। इसको डबल क्लिक करके सिलेक्शन करके इसको हम कट कर सकते हैं। एंड फिर जब हमने कॉपी करना हो तो कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और पेस्ट जब करना हो तो कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। चाहे हमें टेक्स्ट करना हो, हमें कोई भी जो शेप्स हैं उन्हें करना हो या फिर कुछ भी हमें करना हो कॉपी पेस्ट तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो इजीएस्ट वे है कॉपी पेस्ट का वो ये है कि आपने जस्ट कंट्रोल आल्ट और अपने माउस पर लेफ्ट क्लिक करना है डबल टाइम। तो इस तरह से आपकी जो ऑलरेडी जो मौजूद था पहले से या तो टेक्स्ट या फिर कोई भी शेप वो आपकी कॉपी हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी किया, मैंने जस्ट कंट्रोल ऑल्ट और डबल टाइम क्लिक किया है माउस पर लेफ्ट। तो इस तरह से हम बहुत सारी कॉपीज़ बना सकते हैं। ये इजीएस्ट वे है, हमें एडिट मेन्यू में भी नहीं जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि चेक स्पेलिंग। यहाँ आपका कोई भी टेक्स्ट और जितना भी पूरे पेज पर लिखा हो उसकी आप स्पेलिंग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट।
फाइंड रिप्लेस टेक्स्ट, यहाँ पे अपने जस्ट क्या करना है कि जिस टेक्स्ट को आपने ढूंढना है पूरे जितने भी पूरा पेज भरा हुआ है आपके टेक्स्ट से, तो आपने इसको जस्ट यहाँ वो नाम लिखना है और उसको किस में चेंज करना है वो आप यहाँ लिखेंगे, नीचे चेंज टू में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने चेंज ऑल करना है, तो फिर आपके पूरे पेज पर जहाँ जहाँ भी वो वर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, जस्ट ओके कर देना है आपने बस। अब नेक्स्ट है कि फ्री ट्रांसफॉर्म, इसके लिए मैं पहले कोई एक पिक लेनी पड़ेगी, कोई सी पिक ले लेते हैं, जस्ट ड्रैग करके मैंने इस पर अप्लाई कर दिया पेज पर। कंट्रोल किसी भी फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एडिट के मेन्यू में एक ऑप्शन मौजूद है फ्री ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ इसकी शॉर्टकट कमांड जो है वो कंट्रोल टी है। तो यहाँ से हम इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं, बड़ा या छोटा जैसे भी करना हो हमने। तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म है कि जैसे भी हम अपनी मर्ज़ी से इसका साइज़ बना लें। अब नेक्स्ट है फिल, फिल में जब हम जाएंगे तो यहाँ मतलब कि हम कोई सा भी बैकग्राउंड है वो यहाँ से ले सकते हैं, फिल कर सकते हैं, फुल पेज जो है वो फिल कर सकते हैं यहाँ से हम उसका बैकग्राउंड, ओके कर दें जस्ट, या आपका शो हो जाएगा यहाँ। अब ये इसी बैकग्राउंड को सबसे नीचे लाने के लिए हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसकी लेयर जो है जो बैकग्राउंड सॉरी फिल कलर का हमने किया था उसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे, तो ये जो बैकग्राउंड होगा वो सबसे बैक पर आ जाएगा। तो ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे डिटेल में, फ़िलहाल के लिए हम इसको फिल के बाद स्ट्रोक है उसको देख लेते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक मीन आउटर बाउंड्री या लाइनिंग को कहते हैं। यहाँ इसके हम विड्थ इंक्रीज कर देंगे, स्ट्रोक का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपके आपने विड्थ इंक्रीज करनी है, कलर चेंज कर सकते हैं और आपको लोकेशन बतानी है कि आपने इनसाइड आउटसाइड जहाँ भी करनी है, और इसका जो मोड है वो भी चेंज कर सकते हैं आप, ओपेसिटी भी इसकी फिर चेंज कर सकते हैं, ब्लेंडिंग जस्ट फिर ओके कर दें और ये आपका आ जाएगा बाउंड्री। मेरा जो लोगो था उसका बैकग्राउंड वाइट था तो इसीलिए जो मेरी बाउंड्री है वो भी इसी तरह रेक्टेंगुलर में आई है। नेक्स्ट है कि ट्रांसफॉर्म, जस्ट ट्रांसफॉर्म दिया गया है, यहाँ से फिर हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे कि क्या ऑप्शन मौजूद हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन मौजूद है, अलाइन, स्केल, रोटेट और डिफॉल्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब फ्लिप भी कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटल आप कर सकते हैं, वर्टिकली कर सकते हैं, जैसे मर्जी जिस एंगल पर रखना हो आप अपना अपनी जो पिक्चर है उसको अप्लाई यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म फ्लिप देखिए देखिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली भी फ्लिप आउट कर सकते हैं आप। अब एडिट मेन्यू की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं सॉरी ऑप्शंस थे हम इसको अप्लाई कर चुके हैं, सीख चुके हैं। आपने सिर्फ बस क्या करना है कि इसे सेव कर लेना है। आप एडिटेबल में सेव करना चाहते हैं, पिक्स में, पीडीएफ में, जिस चीज़ में सेव करना चाहते हैं वहाँ सेव कर सकते हैं। और आपको अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर लाजमी किया करें चैनल।